मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं इस टाइम जुबा साउथ सूडान के अंदर। और आज है संडे का टाइम। संडे को जनरली हम लोग बाहर निकल जाते हैं बिकॉज और कुछ होता नहीं है यहाँ पे करने को। और एक हमारी एक लोकेशन होती है रिवर नाइल के आसपास, जहाँ पे हम लोग जनरली जाया करते हैं। पिछले हफ्ते मैं कहीं निकला नहीं था, घर पे ही था, तो आज दो हफ्ते के बाद निकल रहा हूँ। और संडे का व्यू हमारा कुछ इस तरह का है। आपने सड़कें तो काफ़ी बार देखी होंगी यहाँ पे आते जाते हुए मेरे साथ। तो इस तरह के कुछ पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पे। पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल की कीमत यहाँ पे $1.20 के करीब है। बहुत महंगा है अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से तो। और डीजल भी तकरीबन सेम ही रेट है बिकॉज सब कुछ यहाँ पे बाहर से आता है, यहाँ पे अपना तो कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ पे पेट्रोल और इसकी ऑयल के बहुत सारे कुएं हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, मगर वो सब बाहर बेचा हुआ है इन्होंने ऑलरेडी दूसरी कंपनीज को। तो सब कुछ बाहर से दोबारा से रिफाइन होकर दोबारा इस देश के अंदर आता है और बहुत महंगा हो जाता है बिकॉज बहुत दूर से आता है। ये कीनिया से आता है, मुंबासा से आता है। मुंबासा एक जगह है अफ्रीका के, अपना कीनिया के अंदर, जहाँ से ये लेके आते हैं। और महंगाई तो बहुत बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पे। अगर अपने देश से हम कंपेयर करें तो 3 गुना महंगाई ज़्यादा है यहाँ पे। अगर कोई चीज़ हमारी इंडिया में 100 रुपये की मिलती तो यहाँ पे 300 रुपये की मिलती है। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए उठा के, तो 3 गुना यहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। खैर, जो लोग यहाँ पे कमाते हैं वो डॉलर में कमाते हैं तो इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो यहाँ की जो आबादी है, जो लोकल जनसंख्या है, उसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है बिकॉज इनकी कमाई इतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। और खर्चे जो हैं वो 3 गुना हो जाते हैं। ये सामने जो आप ट्रक देख रहे हैं जिसके ऊपर H2O लिखा हुआ है, तो ये पानी के टैंकर्स हैं बेसिकली। इसी से हम लोगों के घरों में सप्लाई होती है पानी की, बिकॉज घरों के अंदर अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है जैसे कि इंडिया के अंदर आपको पानी आपके घर में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे टैंकरों के अंदर पानी भर के लाते हैं और घर घर के अंदर सप्लाई होती है, और उसी से हम लोग नहाते धोते हैं और बर्तन बुर्तन वगैरह उसी से धोते हैं। बाकी पीने के लिए हमें मिनरल वाटर ले कर आना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं जहाँ कि आप फ्रेश पानी जो है आपको मिल सके और पी सके। और भेड़े भी देखिए, भेड़े भी आपको मिल जाएंगे शहर के अंदर घूमती हुई। भेड़ों का तो बहुत चलन है यहाँ पे, जैसे इंडिया की भेड़ होती है वैसे यहाँ की भी भेड़े हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये भी सब एयरपोर्ट के नज़दीक में सब नज़र आ रहा है। अभी प्रेसिडेंट आए हैं बाहर से, तो उनको सब ग्रीट करने के लिए लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये एक पार्टी है SPLM, उसके सपोर्टर्स हैं सब, जो प्रेसिडेंट की पार्टी है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं सब, बोर्डा के ऊपर सब टी शर्ट्स पहने हुई हैं सभी ने, लाल लाल रंग की। और ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। ये जो आप जाम देख रहे हैं, ये अभी प्रेसिडेंट आए हैं बाहर से, तो इस करके सारा कुछ ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे पूरा रास्ता वगैरह। और सब देखिए कितना लंबा जाम लग गया है थोड़ी देर के अंदर ही। हमें कोई आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, आधे घंटे से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अभी ये जाएंगे तो हम निकलते हैं यहाँ से, तो फाइनली अभी निकल गए हैं। सड़कें एक्चुअली बड़ी लिमिटेड सी सड़कें हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, तो सबको वेट करना पड़ता है। यहाँ पे सब पुराने जो प्लेन्स हैं, कई कई साल पुराने, वो देखिए यहाँ पे रखे हुए हैं इन्होंने, बहुत ही पुराने प्लेन्स हैं, सब डिस्कार्ड कर दिए हैं दोस्तों। ये यहाँ की मार्केट है, इसको कोन्यो कोन्यो मार्केट बोलते हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, और लेफ्ट साइड में सब्जियाँ वगैरह मिलती हैं, राइट साइड में जैसे इंडिया में मार्केट होती है, हम लोग जनरली रेडी मार्केट बोलते हैं चंडीगढ़ साइड में, तो उस तरह की मार्केट। बट मेन मार्केट इनकी यहीं पे ही है और काफ़ी सस्ती चीज़ें अंदर मिलती हैं। ये सामने प्रेसिडेंट की हमारी फ़ोटो लगी हुई है, बड़ी ऑटो का वो देखिए आप कैसे ऑटो, चारों साइड ऑटो ही ऑटो नज़र आते हैं, बस जैसे इंडिया के अंदर आपको नज़र आते हैं उससे भी ज़्यादा हैं यहाँ पे तो। बल्कि ये सामने यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद यहाँ पे काफ़ी हैं। हालांकि क्रिश्चियंस का ये डोमिनेटेड एरिया है साउथ सूडान, मगर मुस्लिम्स भी काफ़ी हैं और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मॉस्क भी काफ़ी बनी हुई हैं यहाँ पे। किसी देश में आपने अल्कोहल की होर्डिंग्स वगैरह नहीं देखी होंगी, मगर यहाँ देखिए आप सामने जो आपको नज़र आ रही है ये टस्कर, ये जो है बियर की एडवर्टीजमेंट इन्होंने की हुई है। देखिए आपको किसी भी कंट्री के अंदर आपको अल्कोहल की होर्डिंग्स वगैरह नहीं मिलेंगी, मगर यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इसीलिए साउथ सूडान बोलते हैं इसको।
सो गाइस हम लोग फाइनली ये पहुंच चुके हैं यहाँ पे रिवर नाइल के नज़दीक में, और इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे। आज मौसम बड़ा अच्छा है, एक्चुअली धूप इतनी ज़्यादा है नहीं। सो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है चारों साइड में, और पानी का फ्लो देखिए। सो ऐसा कुछ व्यू नज़र आता है रिवर नाइल का। सामने जो आप देख रहे हैं इसको जुबा ब्रिज बोलते हैं यहाँ पे, ये पुराना ब्रिज है एक्चुअली। तो इसी से हम लोग निकल के आगे युगांडा की साइड जाते हैं अगर बाई रोड हमने जाना हो। और ये साथ में जो बोट्स खड़ी हैं ये डाविंसी होटल और रिजॉर्ट्स की जो बोट्स हैं, हम लोग इसमें भी कई बार घूम चुके हैं। और सामने बढ़िया सा एक रिजॉर्ट बन रहा है, और चारों साइड आपको आम के पेड़ नज़र आएंगे। और ये देखिए आम, देखिए आप कितने लगे हुए हैं इस टाइम पे, पूरा पेड़ एकदम फुल है इस टाइम आम से। तो दोस्तों ये है यहाँ की फेमस एयरपोर्ट रोड। अब शाम हो चुकी है, अब घर की वापसी हो रही है। वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी, और दिखाते हैं आपको कुछ और यहाँ का जुबा के बारे में, और कुछ फैक्ट्स वगैरह के बारे में बताऊँगा मैं अगली वीडियो में आपको कि क्या कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं यहाँ के जुबा के बारे में। सो वेट करिए मेरे अगले ब्लॉग के अंदर। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू, बाय बाय।